परमेश्वर ने कहा था वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि ये वेद मेरा ही भेद है, मेरी ही महिमा ये चारों वेद गा रहे हैं सुना रहे हैं, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ये करता है, परमात्मा ऐसी लीला करता है, लेकिन मेरे पाने की विधि वेदों में वर्णित नहीं है। अब यहां दो प्रश्न उठते हैं कि एक तो परमात्मा सामने बोल रहे हैं, कह रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े हैं, फिर कहते हैं मुझे पाने का तरीका वेदों में नहीं है। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि परमात्मा के दर्शन कर लेने से मोक्ष नहीं, परमात्मा के द्वारा दिए गए उस भक्ति की कमाई करने से मोक्ष होगा। नहीं तो परमेश्वर 120 वर्ष रहे, जिनको अच्छी आत्माओं ने भी दे दर्शन किए, बुरा ने भी किए, जो उनके विरोधी थे उन मार मार कर रहे थे उनके पीछे, उन्होंने भी दर्शन किए। दर्शन से मोक्ष नहीं है, परमात्मा के उस मंत्र से मोक्ष है। मोक्ष का मीन है कि जैसे हम वो परमात्मा ने हमें विधि बताई है वह कमाई कराएंगे, उस राम नाम के धन को जोड़ेंगे, उस भक्ति की शक्ति योग के बल ते भक्ति के बल से उस राम नाम की कमाई की शक्ति से हम सतलोक जावांगे, वहां जाकर के हम परमानेंट सुखी हो जावांगे, उसको प्रभु प्राप्ति कहा जाता है। परमात्मा यहाँ आए, सभी को प्राप्त थे, दर्शन भी होते थे, लेकिन मोक्ष कोई नहीं, मुक्त कोई नहीं हुआ, क्योंकि हमने परमेश्वर के उस ज्ञान पर भी विश्वास नहीं किया, न उनके द्वारा दिए गई भक्ति की साधना की। तो परमात्मा के नाम से मोक्ष होगा, केवल दर्शन मात्र नहीं।